हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14B, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ शेप्स नजर आ रही हैं, जिसमें आपका एक तो ट्रेपीजियम है, और जैसे ये हो गया ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, एंड बाकी के ये और ये दोनों, ये तीनों रोम्बस है। ठीक है, तो इनके हमें एरियाज निकालने हैं। तो एरियाज के बेसिकली दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। एक एरिया ऑफ आपका जो है ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम ये रहा, क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 हाइट मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ अपोजिट साइड्स। क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जैसे ए प्लस बी ले लेते हैं, और ए और बी क्या है हमारी, पैरेलल साइड्स। जैसे मैं ये ट्रेपीजियम बना देता हूँ, जैसे ये ट्रेपीजियम बनाया, तो ये ए और ये बी, ये आपकी जो होगी, ये ए और ये बी जो है, ये ए और बी आपका क्या कहलाएगा, पैरेलल साइड्स, और एच आपकी हाइट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें एरिया ऑफ रोम्बस की, तो क्या करना है, 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, डायगनल्स का प्रोडक्ट। ये दो फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आपका ट्रेपीजियम ही है, तो डायरेक्ट मैं आंसर ही लिख रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है यहाँ पर, 7, और पैरेलल साइड्स कौन सी है, 5 प्लस 12। तो बस हो गया सॉल्व आपका, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 17। और सॉल्व कर लेते हैं, आपका 17 इंटू 3.5 है, जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आता है वही आपको लिख देना है। ठीक है, तो जो कि इस केस में कितना आ जाएगा, 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगानी नहीं भूलनी है, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो वहां पर क्या है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए अब बी पार्ट की बात करते हैं, ये भी एक ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पर देखें, वही सेम हाइट, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर हाइट देखो 4 है, तो यहाँ 4 लगाया, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 2.5 प्लस 4.8। सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई, ऐड कर लेते हैं, 8 और 5 13, एंड 4 2 4 1 7, 7.3। तो ये हो जाएगा द्वितीय, 6 2 7 14, 14.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए आपके पहले दो के आंसर्स। सी की बात करें तो सी भी एक ट्रेपीजियम ही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 हाइट का फॉर्मूला, हाइट कितनी है यहाँ पर, 20 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 30। सो ये और ये कैंसिल हो गया, 10 आया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 40, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट में अगर हम देखें क्या दिया हुआ है, डी पार्ट में आपका रोम्बस है, तो रोम्बस का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, डायगनल 1 मल्टीप्लाइड बाई डायगनल 2। तो यहाँ देखते हैं, डायगनल 1 कितना है आपका, 9, और इंटू 5, 9 5 45, 45 डिवाइड बाई 2, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब कर लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में भी आपका रोम्बस है, तो 1/2 इंटू डी 1 इंटू डी 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डी 1 कितना है, 50, डी 2 कितना है, 40। तो ये आ जाएगा आपका 20 25 2 10 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं आपके एफ पार्ट की, बहुत आसान है। ये भी सेम 11 और 17 दिया हुआ है, 1/2 × 11 × 17। तो मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है, आपको जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को ऐसे ही रखो, उसके बाद ये वाले को ऐसे ही रखो, और अल्टरनेट आप ऐड कर दो, 7 प्लस 1 8 187, कितना आएगा, 187 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 2 9 18,
टू थ्री जै सिक्स एंड टू फाइव जै टेन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 7 मीटर एंड वन ऑफ इट्स बेस इज 8 मीटर। इफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है दैट इज 154 मीटर स्क्वायर एंड फाइंड द अदर बेस। तो यहाँ पर आपको पहले तो गिवन वैल्यूज लिख लेनी है, जैसे आपका हाइट दिया हुआ है 7 और बेस दिया हुआ है 8 एंड एरिया दिया हुआ है 154। और एक चीज और दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 हाइट मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, सो इनकी जस्ट बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो भी गिवन वैल्यूज हैं यहाँ पर रख देनी है बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए रखते हैं, 154 रखा, 1/2 हाइट कितना है आपका 7, ए कितना है आपका 8 और प्लस बी हो गया। चलिए 2 उधर जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। ठीक है, बस यही सिंपल सा है, रीसफलिंग करनी है। रीसफलिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमें वी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 154 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8 प्लस बी। 7 बन जाए 7 2 14 एंड 7 2 14, तो ये हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 8 प्लस बी। तो बी कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेकेंड। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ डायगोनल रोम्बस क्या होता है, d1 into d2। सो 1/2 डायगोनल 1 कितना है 12, डायगोनल 2 26, 13 आ जाएगा, 13 into 12 करेंगे 12 36 36, 12 12 और 3 15, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है एंड दिया हुआ है कि एक डायगोनल आपका 16 है। तो कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालनी है, आसान सा है। पहले वही एरिया लिखो, 1 into d1 into d2। एरिया दिया हुआ है 96, तो यहाँ 96 लिखा, 1/2 डायगोनल 1 कितना है 16, ये लिखो d2। ये और ये कैंसिल आउट होके 8 आ गया, तो d2 कितना हो गया 96 डिवाइड बाई 8। सॉल्व करो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, तो 12 मीटर आपका आंसर, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फिफ्थ की बात करते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ फाइंड द हाइट, हाइट निकालना है हुज पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं और उसका एरिया दिया हुआ है। कोई बात नहीं, So, देख लेते हैं हम। एरिया कितना दिया है आपको 360, एंड दूसरी चीज क्या दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स, यानी कि ए की बात करें तो हमें 4, बी की बात करें तो 12, और हाइट आपको निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट ए प्लस बी। एरिया कितना है आपका 360, 1/2 हाइट निकालनी है, ए कितना है 4 प्लस 12, और सॉल्व करते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू हाइट इंटू 16। ठीक है, चलिए अब और थोड़ी सी और कैलकुलेशन रह गई है बस, फिर ये हमारा काम हो गया। कैसे है? देख लेते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 16, 4 चौको 16, 4 ने 36, 2 एकम 2 दुगुनी 4 45, यानी कि हाइट कितनी आ गई आपकी 45 सेंटीमीटर।